हेलो बच्चों, सो होपफुली गेट 2022 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चली होगी और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लाइव क्लासेस में और यूट्यूब क्लासेस में मैंने ये चीज कई बार बोली है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या है, मैथ्स और एप्टीट्यूड को आप उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो जितनी आप किसी कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, ईडीसी को देते हो। आप टेक्निकल सब्जेक्ट नेटवर्क थियरी को, कंट्रोल सिस्टम को, ईएमएफटी को देते हो, है ना। जबकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। जितना एफर्ट आप कोर सब्जेक्ट में लगाते हो, उतना एफर्ट अगर इन दोनों सब्जेक्ट में लगा दिया, मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड, मैं एक ही सब्जेक्ट मानता हूं, तो आपको ये अकेले 20 से 25 मार्क्स दिला सकती है, जबकि आप बाकी सब्जेक्ट में कितना भी एक्स्ट्रा एफर्ट मारो वो 10, 11, 8, 9 इतने ही मार्क्स दिला सकते हैं। मैंने जब 2011 में गेट की प्रिपरेशन करी थी और अंडर 10 रैंक स्कोर किया था, तो अगस्त महीने में मैथ्स और एप्टीट्यूड फिनिश कर लिया था और एग्जाम के पहले मैथ्स की एक बार और रिवीजन किया था और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अंडर 10 रैंक टारगेट कर रहा हूं तो इस सब्जेक्ट को मुझे बहुत अच्छे से करना, यहां बहुत सारी गलतियां मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं तो मेरी अंडर 10 रैंक नहीं आएगी। और एप्टीट्यूड के लिए मैं क्या करता था, बीच बीच में एक बार तो मैंने फिनिश कर ही लिया था अगस्त महीने में, बीच बीच में जब मैं टेक्निकल सब्जेक्ट से थोड़ा हटना चाहता था, मोनोटोनस हो जाती थी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, तो एक आध दिन ब्रेक लेके पाई चार्ट के या आपके मैन वर्क एंड मैन के क्वेश्चन या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था, ताकि मेरा एकदम रिफ्रेश हो जाए, एप्टीट्यूड के मैं हमेशा टच में रहूं। यही चीज आपको भी करनी। आपने अभी तक अगर मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड फिनिश कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मिड सितंबर तक टारगेट बनाओ कि एनी हाउ इसको खत्म करना है, और फिर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज ये सारे टेस्ट देके इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगे, इसको एक्स्ट्रा स्ट्रांग बना लेना है। तो जो भी बच्चे जो 35 से 40 मार्क्स में, बहुत सारे बच्चे गेट में मार्क्स लाते हैं, अगर मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आप मैथ्स एप्टीट्यूड में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जितना आप कोर सब्जेक्ट में लगाते हो, आप गारंटी के साथ अगर 35 से 40 मार्क्स जिन लोगों के आ रहे होते हैं ना, वो 50 से 55 मार्क्स की रेंज में जरूर होंगे, मैं चैलेंज के साथ ये बोल सकता हूं। तो इस बार आप मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना आप बाकी सब्जेक्ट को देते हो, और इसको खत्म करके एग्जाम के पहले रिवाइज करके एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट मार के पक्का कर लो कि यहां से 20 से 25 मार्क्स के बीच में तो स्कोर करना ही करना, और आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो होपफुली इस बार ये मेरी गाइडेंस को आप बहुत सीरियसली लोगे और इंपॉर्टेंस देना शुरू करोगे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को, और अगर आप इंपॉर्टेंस दे लिए तो इस बार आपकी गेट रैंक में बहुत कुछ अच्छा होने वाला, बहुत इंप्रूवमेंट आने वाला है फॉर श्योर। तो होपफुली आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।